तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम लोग अनडू और रीडू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग नोटपैड एप्लीकेशन बना रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें दोस्तों हम लोग अनडू और रीडू का बटन वहां पर लगाया था मेनू स्ट्रिप में। उसमें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसी को देखने वाले हैं। इसके पहले तीन वीडियो हम लोगों ने देखा था नोटपैड को एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग अपने पहले से फाइल स्टेप को कैसे ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद वाले हम लोगों ने देखा नोटपैड के एप्लीकेशन में जो भी हम लोग टाइप करते हैं उस फाइल को हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कैसे करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वही एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया था नोटपैड अल्ट्रा प्रो मैक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले तीन वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बनाया, तो इसी में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एडिट के अंदर दोस्तों हम लोगों ने अंडू और रीडू को बनाया था, इसी के ऊपर आज हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा ये दोनों को पहले बाय डिफॉल्ट हम लोगों को यहाँ पे राइट इस पर राइट क्लिक करेंगे आप अंडू पे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इनेबल लिखा हुआ था, इसको हम लोगों को डिसेबल कर देना दोनों को। ये पहले डिसेबल रहे, जब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखा जाए तब दोस्तों यहाँ पर ये इनेबल हो, इसको करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने कोड के अंदर, कोड के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे टेक्स्ट चेंज वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट चेंज वाला जो ये है आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा है अंडू वाला इसको दोस्तों हम लोगों को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे अंडू टूल स्ट्रिप मेनू बार, यहाँ पर आप लोग देखें डॉट इनेबल, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रू कर देंगे ताकि ये दोस्तों यहाँ पे इनेबल हो जाए। इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। कब ये इनेबल होगा, जब दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके ये जो हमारा मैन रिच टेक्स्ट बॉक्स है मतलब ये वाला, इसके अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा जाएगा तब ये दोस्तों ये इनेबल होगा, बाकी बात ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंडू पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जब ये अंडू इनेबल रहेगा तब दोस्तों यहाँ पे क्या करो, मैन रिच टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे मैन रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट अंडू, यहाँ पे आप लोगों को कर देना इस तरीके से अंडू कर देंगे, बस ये आप लोगों का काम हो जाएगा। बस अंडू जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या करना अंडू जो हमारा अंडू टूल स्ट्रिप है उसको फिर से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फॉल्स कर देना है, इनेबल इक्वल टू फॉल्स इस तरीके से हम लोगों को कर देना, ये फॉल्स हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा रीडू वाला इसको दोस्तों हम लोगों को इनेबल कर देना है। यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे रीडू टूल स्ट्रिप डॉट इनेबल, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, इस तरीके से ट्रू कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा काम हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रीडू पर भी यहाँ पे हम लोगों को क्लिक इवेंट जनरेट करना है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को मैन रिच टेक्स्ट बॉक्स करना है डॉट रीडू, ये जो मैंने यहाँ पे अंडू रीडू लिखा है ये दोस्तों डॉट नेट के अंदर यहाँ पे पहले से यहाँ पे डिफाइंड रहता है, इसके लिए आप लोगों को कोई भी ज़्यादा कोड नहीं करना, सिर्फ लिख दीजिए आप लोगों का काम हो जाएगा, ये पहले से यहाँ पे बना हुआ रहता है। इस तरीके से यहाँ पे रीडू लिख देंगे यहाँ की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडू को हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोगों ने किया इसको हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये इनेबल किया है अंडू टूल स्ट्रिप को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ट्रू और यहाँ पे रीडू वाले को कर देंगे हम लोग फॉल्स, इस तरीके से फॉल्स कर देंगे तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों डिसेबल है, अंडू और रीडू यहाँ पे दोनों डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख दिए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अंडू यहाँ पे इनेबल हो गया लेकिन रीडू डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे अंडू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो सब्सक्राइब किए थे ये हट गया यहाँ से। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अंडू डिसेबल हो गया और रीडू यहाँ पे इनेबल हो गया, रीडू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों बड़ी आसानी से आप लोग अंडू रीडू का यहाँ पे इम्प्लीमेंट अंडू रीडू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ये सिंगल लाइन का कोड करके
होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे नोटपैड के एप्लीकेशन में और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।